आज जो हमारे साथ क्लाइंट है, आप देख सकते हैं सर अभी अपने अर्ली 30s में है, एंड सर को कितना ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका है। सर को अपने ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, तो सर ने हेयर पैच लगवाने का डिसाइड किया। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हेयर पैच एक नॉन सर्जिकल मेथड है, इसमें यूजर के लुक्स को 1 से 1.5 घंटे में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जिसमें सबसे पहले यूजर के क्राउन एरिया का मेजरमेंट लिख के पैच सेलेक्ट किया जाता है। हेयर पैच में हर साइज में बहुत सारी वेराइटीज आती है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। अगर आपको एकदम नेचुरल लुक चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मीडियम रेंज या हाई रेंज पैचेस प्रेफर करें, बट हाई रेंज पैचेस की लाइफ कम रहती है नॉर्मल पैचेस के मुकाबले। वो 40-50% जल्दी डैमेज हो जाते हैं, एंड स्टार्टिंग में यूजर को कैसे पैच को मेंटेन करना है एंड वॉश करना है ये नहीं आता होता, तो पैच जल्दी डैमेज हो जाता है। सो आप फर्स्ट पैच मीडियम रेंज से सिलेक्ट करें, एंड आफ्टर योर फर्स्ट पैच यू कैन स्विच टू हाई रेंज पैचेस लाइक फ्रंटलेस, फुललेस, ऑस्ट्रेलिया, मेरा सिल्क एंड मोर। बट अगर आपको एकदम ऐसा पैच लगवाना है कि कोई गौर करके भी डिटेक्ट ना कर पाए, तो आप हाई रेंज में डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर आपका प्रोफेशन है या आपकी वेडिंग फंक्शन है आपके घर पे, तो भी आप हाई रेंज पैचेस सिलेक्ट करें। इसके बाद क्राउन एरिया को शेव करके क्लीन किया जाता है। अगर आप अपने रियल बालों को हटवाना नहीं चाहते हैं तो आप क्लिप मेथड से पैच लगवा सकते हैं। अगर आपको उस मेथड के बारे में जानना है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करें। उसके बाद आपके हेड को वॉश करके उस पर स्कैल्प प्रोटेक्टर अप्लाई किया जाता है। स्कैल्प प्रोटेक्टर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कोई भी एलर्जी एंड इरिटेशन का इश्यू नहीं होता है। स्कैल्प प्रोटेक्टर लगाने के बाद में आपके सिर पर अल्ट्रावॉयलेट ग्लू लगाया जाता है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आप जो मतलब ग्लू यूज करते हो उसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है, तो नहीं, ये जो ग्लू है वो मेडिकली अप्रूव्ड रहता है। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स ईयर पैच में यूज किए जाते हैं वो सभी एकदम मेडिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स रहते हैं, जिनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, एंड ये स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स रहते हैं। देन उसके बाद आपके पैच पर टेप एंड ग्लू लगाया जाता है, एंड उसके बाद आपके पैच को फिक्स किया जाता है। हेयर पैच को यूज करके आप अपने डेली रूटीन के सारे काम कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली करते थे। आप बाथ ले सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप अपना जो भी काम करना चाहते हैं जैसे आप नॉर्मली करते थे हेयर पैच के साथ में भी कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद ही आपकी बॉडी का एक पार्ट सा बन जाता है, जिसकी आपको आदत सी हो जाती है। हेयर पैच फिक्स होने के बाद में आती है मेन चीज कटिंग। हेयर कटिंग में दोनों चीज मेन रहती है, टेक्नीशियन एंड पैच। अगर आपका टेक्नीशियन अच्छा है बट पैच खराब है तो वो आपको नेचुरल रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, एंड वहीं अगर आपका पैच भी अच्छा है लेकिन टेक्नीशियन खराब है तो वो भी आपको नेचुरल रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छा पैच सिलेक्ट करें। सर ने हमको कुछ अपने पुराने फोटोज दिखाए थे, उन्होंने बोला उनको कुछ वैसा ही लुक चाहिए लाइक फेडेड टाइप, तो हमने सर को वैसा ही लुक देने का ट्राई किया है। बाकी सर का लुक नेचुरल लग रहा है नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड अभी भी कोई डाउट बाकी है तो हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। रिसेंटली हमने होलसेल का काम भी स्टार्ट किया है, तो किसी को भी अगर में अगर होलसेल में ईयर पैचेस की नीड है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होलसेल प्राइसिंग भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, एंड ट्रेनिंग सेंटर भी हमने खोला है। अगर किसी को भी ईयर पैच की ट्रेनिंग लेनी है, अपना सेंटर चलाना है, तो वो भी हमारे यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।